हेलो एवरीवन, आज हम वेक्टर्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, कर्ल पर बेस्ड। तो क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स जेड क्यूब आई कैप माइनस 2x² वाई जेड जे कैप प्लस 2y जेड टू पावर 4 के कैप, फाइंड द कर्ल ऑफ ए एट पॉइंट 1 -1 1। सॉल्व करके बताइए क्या हो रहा है। करते हैं डेल क्रॉस ए और आई जे, ए लिखिए, आई के नीचे डेल की वैल्यू, डेल ओवर डेल एक्स, जे के नीचे डेल ओवर डेल वाई, ए के नीचे डेल ओवर डेल जेड। वेक्टर ए में आई कंपोनेंट के साथ है एक्स सेट टू पावर क्यू, सेट क्यू है, फिर ये है माइनस लेंगे माइनस 2x² yz, ये है 2yz⁴। डिटर्मिनेंट ओपन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर 0.1 -1 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैम, -1j कैप प्लस 3k कैप। -1 जे कैप प्लस 3k कैप। चलिए और मैच मैम, करते हैं। -4i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। नहीं, मेरा ये भी नहीं आ रहा, तो यानी कि मुझे जो है करना ही मैम पड़ेगा। 4i कैप 3j कैप -4k कैप। शशांक ने जो भेजा है ये भी नहीं आ रहा। तो अब देखिए, जब जो भी आंसर बता रहे हैं ना, सबके अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं तो गलती कर रहे हैं। मैम 4i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। ना, मेरा भी यही आया है। चलिए तो इसे एक बार करके ही देखते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैंने भी ऐसे ही लिखा हुआ है आंसर, तो सॉल्व करके ही देखना होगा ये हमें। चलिए देखते हैं, क्योंकि मैच नहीं कर रहा किसी का भी नहीं आंसर, तो देख लेते हैं यहाँ जो लिखा हुआ आंसर उससे मैच नहीं हो रहा है। मैम 4i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। चलिए देखते हैं, रुकिए। डेल क्रॉस ए इक्वल टू, पहले अब इसे ओपन करते हैं, तो आई के साथ है डेल ओवर डेल वाई 2yz⁴ माइनस डेल ओवर डेल जेड, ठीक है, और माइनस में है तो -2x² yz, ये है आई के साथ, ठीक है। माइनस अब जे के साथ तो हम देख लेते हैं, तो है जे के साथ डेल ओवर डेल एक्स 2yz⁴ माइनस डेल ओवर डेल जेड एक्स जेड क्यूब जे प्लस, जो है के साथ देख लेते हैं, के साथ है डेल ओवर डेल एक्स -2x² yz माइनस डेल ओवर डेल वाई एक्स जेड क्यूब, ठीक लिखा है मैंने, ये कहीं कोई मैम गलती तो नहीं? 3j प्लस 4 यस के आएगा देखिए, एक बार देख लेते हैं, आई को फिक्स रखा, डेल ओवर डेल वाई 2yz³, फिर इसको किया डेल ओवर डेल जेड -2x² yz, फिर हमने माइनस जे लिया डेल ओवर डेल एक्स 2yz³ डेल ओवर जेड, ये भी ठीक है, जे वाला भी, के -2x² yz, ठीक तो लिखा है, कहाँ पे यस मैम, गलती ठीक दिखी? लगा। ठीक है, अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना है तो पहली वाली टर्म वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2z⁴ आ जाएगा, 2z⁴ माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो 2x² y हो जाएगा आई। नेक्स्ट टर्म जे वाली देखते हैं, माइनस है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, सर्किल बना देती हूँ उसके ऊपर ये चीज, तो इसमें एक्स है नहीं तो ये टर्म तो हमें जीरो देगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 3xz² मिलेगा, माइनस में ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो बाहर प्लस आएगा और क्या आएगा यहाँ पे 3xz² j। ठीक है, लास्ट टर्म, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, माइनस है तो 4xyz आ जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 4xyz आ रहा है, इस टर्म को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है जो इसकी सेकंड टर्म है, इसमें y वाली टर्म है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस 4xyz आएगा। अब पहली टर्म में देखते हैं z की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 1, तो ये हो गया 2, y की वैल्यू माइनस रखनी है तो ये वैल्यू फर्स्ट टर्म तो जीरो दे देगी, तो i तो आना नहीं चाहिए, आपका i कैसे आ रहा है ना, मेरा नहीं आ रहा i, हाँ i नहीं आ रहा, तो i जीरो कैप प्लस 3j j प्लस 4k, अब गलती पता लग गई, कहाँ गलती हो रही है पता लग गया, लाडली ने अभिषेक ने सही भेजा है, अभी भेजा है इन्होंने, तो एक एक टर्म को आपको, क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप शॉर्टकट करो, तो एक एक टर्म को ओपन करके देखो है ना, फिर गलती पता लगेगी कहाँ गलती कर रहे हो। थैंक यू।